अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा में मालवा का पहला चैरिटेबल गुरु नानक देव ब्लड बैंक खोला गया। इस अवसर पर ब्लड बैंक के अजीत चौधरी, निदेशक पूजा नैन, डॉक्टर दीपाली गुप्ता, देवर जीत और स्टाफ ने सुखमनी साहिब का पाठ का भोग डालकर आरंभ किया, जिसमें समाज सेवी बीरू बांसल, सचिन शर्मा, मुकेश बुगा सिंह, राकेश नरूला, नीलेश पठानी ने शिरकत की और लोगों द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। चैरिटेबल गुरु नानक देव ब्लड बैंक जिसमें नई तकनीक द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को कम से कम रेटों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। सर, मैं आज गुरु नानक देव चैरिटेबल ब्लड बैंक वालों सबनों जी आया नूं आखदा जी, असी बठिंडे शहर दे विच पंजाब दा पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक स्टार्ट किया, जिदे विच असी बिल्कुल लेटेस्ट टैक्निक बिल्कुल न्यू वर्जन मशीनां दा लैके आए हैं जी। साडा इही मोटो है कि हरेक डोनर का ब्लड पेशेंट कोल बिल्कुल सुरक्षित पहुँचे जी। साडे कोल स्टोरेज की, सैपरेशन की, प्रोसैसिंग की, हर एक चीज़ की बहुत बैटर क्वालिटी अवेलेबल है जी ब्लड बैंक। अभी तो अगेन फिर धन्यवाद आखते हैं जी, धन्यवाद। अच्छा जी, चैरिटेबल के नाल ही लोगों को फर्क पेगा ब्लड, लोगों का बहुत फायदा होगा जी। आम आदमी होंगे हैं जिन्होंने ब्लड कई बार मिलते ही नहीं, आसे पासों फीस बहुत ज़्यादा होंगी है लोगों की, तो वो करके अभी चैरिटेबल ब्लड बैंक का ही प्लान किया जी। अच्छा जी, तो घट्टो घट फीस बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस से कम करना जी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी जी द्वारा मालवे का जो पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक आज ओपनिंग की गई है, जिसमें कम बहुत ही कम रेट पे सभी को ब्लड मिलेगा और बहुत ही अच्छा है, जो सभी के लिए अच्छा है, गरीबों के लिए भी, और बहुत ही कम रेट में ब्लड मिलेगा। मालवे का पहला चैरिटेबल ब्लड बैंक। कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ राजेश गर्ग की विशेष रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।